पिछले लेक्चर में हमने एमसीबी का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एमसीबी डिस्कस करेंगे, यानी एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू ट्रिपिंग ओवर द रेंज ऑफ फॉल्ट करेंट। यानी एमसीबी को फॉल्ट करंट के रेंज जहाँ तक कि वो ट्रिप कर सकते हैं उसके आधार पे डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। द इम्पॉर्टेंट एमसीबी टाइप्स आर एज फॉलो। जो मेन इम्पॉर्टेंट एमसीबीज हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला टाइप बी एमसीबी, दूसरा टाइप सी एमसीबी और तीसरा टाइप डी एमसीबी। पहला टाइप बी एमसीबी के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस टाइप ऑफ एमसीबी ट्रिप्स बिटवीन 3 and 5 times फुल लोड करंट। यानी जब फॉल्ट करंट का वैल्यू फुल लोड करंट की तुलना में 3 to 5 times तक बढ़ जाता है तो उस केस में टाइप बी एमसीबी ट्रिप करते हैं। टाइप बी डिवाइसेस आर मेनली यूज्ड इन रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस। यानी टाइप बी एमसीबी का प्रयोग मुख्य रूप से रेसिडेंशियल एप्लीकेशन में किया जाता है और लाइट कमर्शियल एप्लीकेशंस वेयर कनेक्टेड लोड्स आर प्राइमरली लाइटिंग फिक्सर्स डोमेस्टिक एप्लीकेशंस विथ मेनली रेसिस्टिव एलिमेंट्स। यानी कि जो टाइप बी एमसीबी हैं उसका प्रयोग रेसिडेंशियल एप्लीकेशन में या लाइट कमर्शियल एप्लीकेशंस हल्के कमर्शियल एप्लीकेशंस में जहाँ की कनेक्टेड लोड मुख्य रूप से लाइटिंग के लिए हैं या डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में जहाँ रेसिस्टिव लोड्स हैं वहाँ पे टाइप बी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। टाइप सी एमसीबी, दिस टाइप ऑफ एमसीबी ट्रिप्स बिटवीन 5 and 10 times फुल लोड करंट। यानी जब सर्किट में फॉल्ट करंट का वैल्यू फुल लोड करंट की तुलना में 5 to 10 times इंक्रीज हो जाते हैं उस समय टाइप सी एमसीबी ट्रिप करते हैं। दिस इज यूज्ड इन ए कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वेयर देयर कुड बी चांसेस ऑफ हायर वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट्स इन द सर्किट। यानी टाइप सी एमसीबी का प्रयोग कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किया जाता है जहाँ की शॉर्ट सर्किट करंट्स का वैल्यू हायर होने के चांसेस होते हैं। द कनेक्टेड लोड्स आर मेनली इंडक्टिव इन नेचर। यानी टाइप सी एमसीबी जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे लोड्स मेनली इंडक्टिव इन नेचर होते हैं, इंडक्टिव लोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इंडक्शन मोटर या फ्लोरोसेंट लाइटिंग के लिए भी टाइप सी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशंस इंक्लूड स्मॉल ट्रांसफार्मर्स, लाइटिंग, फाइलर डिवाइसेस, कंट्रोल सर्किट एंड क्वाइल्स। यानी टाइप सी एमसीबी के का जहां एप्लीकेशन है वहां पे आपका जहां स्मॉल ट्रांसफार्मर्स हैं, लाइटिंग है, फाइलर डिवाइसेस, कंट्रोल डिवाइसेस और क्वाइल्स के लिए टाइप सी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। टाइप डी एमसीबी, दिस टाइप ऑफ एमसीबी ट्रिप्स बिटवीन 10 and 20 times फुल लोड करंट। यानी जब सर्किट में फॉल्ट करंट का वैल्यू फुल लोड करंट की तुलना में 10 to 20 times तक बढ़ जाते हैं वहाँ पे टाइप डी एमसीबी ट्रिप करते हैं। दीज एमसीबीज आर यूज्ड इन स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूजेज वेयर करंट इन रस कैन बी वेरी हाई। यानी कि टाइप डी एमसीबी का प्रयोग स्पेशल इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूजेज में किया जाता है जहाँ की करंट का इनरस वैल्यू काफ़ी हाई होता है। एग्जांपल्स इंक्लूड ट्रांसफार्मर्स और एक्सरे मशीन्स, लार्ज वाइंडिंग मोटर्स। यानी टाइप डी एमसीबी का प्रयोग ट्रांसफार्मर के लिए, एक्सरे मशीन के लिए या लार्ज वाइंडिंग मोटर्स के लिए किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एमसीबी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोल्स। एमसीबी को नंबर ऑफ पोल्स के आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है।
उसमें है आपका सिंगल पोल, पहला है सिंगल पोल एमसीबी। ए सिंगल पोल एमसीबी प्रोवाइड्स स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन ओनली फॉर वन सिंगल फेज ऑफ सर्किट, यानी जो सिंगल पोल एमसीबी हैं वो आपको स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन सिर्फ सिंगल फेज के लिए प्रोवाइड करते हैं, यानी सिर्फ एक फेज में ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो सिंगल पोल एमसीबी कहलाते हैं। दूसरा है डबल पोल एमसीबी। ए टू पोल एमसीबी प्रोवाइड्स स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन बोथ फॉर फेज एंड न्यूट्रल, यानी जो डबल पोल एमसीबी है वो एक फेज और एक न्यूट्रल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये डबल पोल एमसीबी कहलाते हैं। तीसरा है ट्रिपल पोल एमसीबी। ये ट्रिपल और थ्री पोल मिनीचर सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड्स स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन ओनली टू थ्री फेजेज ऑफ द सर्किट एंड नॉट टू द न्यूट्रल, यानी जो थ्री पोल एमसीबी हैं वो आपको तीनों फेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लेकिन न्यूट्रल में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, न्यूट्रल में किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है, ये थ्री पोल एमसीबी कहलाते हैं। चौथा है थ्री पोल विथ न्यूट्रल, यानी टीपीएन एमसीबी। ये टीपीएन एमसीबी हैज स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन टू ऑल थ्री फेजेज ऑफ द सर्किट। एडिशनली न्यूट्रल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एमसीबी एज सेपरेट पोल, यानी जो टीपीएन एमसीबी हैं वो तीनों फेज का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और जो न्यूट्रल है उसका भी कनेक्शन एमसीबी के साथ एडिशनली एज ए सेपरेट पोल किया जाता है। हाउएवर न्यूट्रल पोल्स इज विदाउट एनी प्रोटेक्शन एंड कैन ओनली बी स्विच्ड, लेकिन जो न्यूट्रल पोल हैं उस वो सिर्फ स्विचिंग के लिए यूज होते हैं, वो किसी प्रकार का उसमें प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। पांचवा है फोर पोल एमसीबी। ए फोर पोल एमसीबी इज सिमिलर टू टीपीएन बट एडिशनली इट ऑल्सो हैज ए प्रोटेक्टिव रिलीज फॉर द न्यूट्रल पोल्स, यानी कि जो फोर पोल एमसीबी हैं वो टीपीएन की तरह ही हैं जो कि तीनों फेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फोर पोल एमसीबी में एडिशनली इसमें न्यूट्रल पोल के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। दिस एमसीबी शुड बी यूज्ड इन केसेस वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हाई न्यूट्रल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एज इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड सर्किट, यानी इस टाइप के एमसीबी का प्रयोग खास करके जहाँ की न्यूट्रल करंट का वैल्यू ज़्यादा होते हैं वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, खास करके जहाँ अनबैलेंस्ड सर्किट हो तो अनबैलेंस्ड सर्किट के केस में न्यूट्रल के थ्रू करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे इस प्रकार इस एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एमसीबी के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।